हेलो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लेके आए हैं वो आधुनिक भारत की है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, अन्य कोई स्टेट कॉम्पिटिशन हो, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, किया था, यह है प्रश्न। तो याद रखना, ये जो अधिकृत किया था, जो सिंध है, सिंध प्रांत पर अंग्रेजों ने 1843 में इसको अपने कब्जे में ले लिया। आगे क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपे प्रदान की थी, तो इसका आंसर है पुर्तगाली लोग आए थे, उन्होंने शिवाजी को तोपे भेंट में दी थी। क्या दी थी? तोपे दी थी। आगे क्वेश्चन, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था। उसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये व्यक्ति था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। आगे क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी राजधानी लाहौर रखी, लाहौर बनाई तथा उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी। ये कह रहा है, रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो तो लाहौर में थी,
लेकिन धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है अमृतसर। अमृतसर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो राजनीतिक राजधानी तो लाहौर में थी, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ये राजनीतिक राजधानी लाहौर में थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में अपने राजदूत के रूप में, अपने राजदूत के रूप में किसे भेजा था, किसे भेजा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम से लगातार पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, उन्होंने जहांगीर के दरबार में अपने राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो जॉन हॉकिंस। किसे भेजा था? जॉन हॉकिंस, यानी कि जॉन हॉकिंस थे वो राजदूत बन के किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जेम्स प्रथम के समकालीन भारत का कौन सा राजा था? तो वो जहांगीर था। ऐसे पूछे जॉन हॉकिंस किन के दरबार में आए थे? तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे क्वेश्चन है, किस युद्ध में, किस युद्ध में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया, परास्त किया था? क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था? तो वॉन्ड बॉस की लड़ाई में। क्या थी? वॉन्ड बॉस की लड़ाई, बॉन्डी बॉस की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। मतलब अंग्रेजों से फ्रांसीसी किस लड़ाई में पूरी तरह से परास्त हो गए थे? तो बॉन्डी बॉस की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में ये पूरी तरीके से परास्त हो गए थे। कौन? फ्रांसीसी। आगे क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन क्राउन
अधीन पहला वायसराय कौन था? सराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय, अगर पूछता है क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? किसने की? तो इसका आंसर पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों गालियों ने। ये क्वेश्चन है, पहला देखते हैं सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, तो 1843 में सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। दूसरा, यूरोपीय शक्ति को तोपे, यूरोपीय किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपे प्रदान की थी, तो वो पुर्तगालियों ने शिवाजी को क्या दी थी, तोपे गिफ्ट में दी थी, वो शक्ति थी पुर्तगाली। या किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह अपनी राजधानी लाहौर, रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कौन सी, राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाई, तथा धार्मिक राजधानी कहाँ बनाई थी, अमृतसर में। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपने राजदूत के रूप में किसे भेजा था, तो वो जॉन हॉकिंस को भेजा था। किस युद्ध में अंग्रेजों ने अंग्रेजों से फ्रांसीसी पूरी तरह से परास्त हो गए थे, तो वन डी बॉस की लड़ाई में फ्रांसीसी पूरी तरीके से अंग्रेजों से परास्त हो गए थे, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी, जिसका नाम था वास्को डी गामा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।